नमस्ते, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे फराली आलू पराठा। व्रत या फिर उपवास के लिए ड्यूरिंग फास्टिंग टाइम रेसिपी बहुत ही सिंपल, क्विक एंड इजी है, तो आप उसको ट्राई करना ना भूले। सो चलो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है उबला हुआ मैश्ड आलू, बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो। टू दैट ऐड सिंधव नमक, रॉक सॉल्ट। इसमें डालेंगे थोड़ी हरी मिर्च, ग्रीन चिली, जिंजर, अदरक, टर्मरिक पाउडर, हल्दी। उसमें डालेंगे थोड़ा राजगिरा फ्लावर, अमरंथ फ्लावर, स्पेशली यूज्ड ड्यूरिंग फास्टिंग। एंड स्टार्ट मिक्सिंग। आप चाहे तो सिंघाड़ा फ्लावर भी ले सकते हैं, कोई भी फ्लावर जो आप फास्टिंग में यूज़ करते हो, बस उसको मिक्स कर ले पोटैटो आलू के साथ। और ऐसे डो बना ले। ये बहुत ही स्टिकी होता है, तो मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे बेलना है। तो ये मैंने ले लिया है वैक्स पेपर, और ये मेरे पास है आरारूट फ्लावर, एरोरूट फ्लावर, जस्ट डस्ट एंड टेक स्मॉल बॉल। छोटे छोटे पराठे बनाए, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाए, इससे आसानी रहेगी बनाने में। नाउ ब्रिंग द अदर साइड ऑन टॉप ऑफ द डो। अब इसको बेल लेते हैं, और अब इसको हम कुक कर लेंगे। आप बिना वैक्स पेपर के भी रोल सकते हैं, बेल सकते हैं ऐसे करके। उसमें थोड़ा एरोरूट ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो ये मैंने सारे पराठे बेल लिए हैं। मीडियम हीट पे तवा गरम कर ले। जब तवा गरम हो जाए तो पराठे को सेक ले। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, उसको बेक करने में आसानी रहती है। तीन पराठे सेक लेंगे। जब पहली साइड हो जाए तो उसको फ्लिप कर ले, ऐसे ब्राउन स्पैक्स दिखने चाहिए। और अब थोड़ी देर तक दूसरी ओर भी सेक ले। जब पराठे थोड़े पक जाए दूसरी तरफ भी, तो आप थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं और फिर उसको सेकते रहिए थोड़ी देर के लिए, और फ्लिप भी करते रहे। ये देखिए एक ऐसे फूल गया है। तेल में सेकने से वो थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। जब दूसरी तरफ भी अच्छी तरह हो जाए ऐसे, इसको पैन में से निकाल ले और पेपर टॉवल पे डाल दे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया पराठे। तो ये हो गए मेरे आलू पराठा रेडी। आप चाहे तो उसको रायता के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर प्लेन दही या योगर्ट भी चल सकता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और जल्द ही मिलेंगे। आई होप आई मेड इट इजियर फॉर यू टू प्रिपेयर आलू पराठा फॉर फास्टिंग, फराली आलू पराठा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।